हेलो, वेलकम टू स्टेट कंप्यूटर साइंस। और ये एसक्यूएल का पार्ट वन है। मैक्सिमम एसक्यूएल में तीन पार्ट आएगा, राइट? या दो भी पार्ट आ सकता है, क्योंकि एसक्यूएल में इतना डीप में पढ़ना नहीं है हम लोग को। एसक्यूएल में सिर्फ इंट्रोडक्शन और बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कमांड कैसे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, राइट? तो मैक्सिमम तीन पार्ट में हम लोग का एसक्यूएल कवर हो जाएगा। तो चलिए ये पार्ट वन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, शॉर्टेड क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब एसक्यूएल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, क्या होता है एसक्यूएल। जैसे आप लोग एक यूजर हुए यहाँ और मैं एक यूजर हूँ यहाँ, दो यूजर हैं हम लोग। दोनों कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? एक लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राइट? एक लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तब आप लोग मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं। वैसे ही क्या होता है डेटाबेस में, हम यूजर होते हैं हम लोग और एक डेटाबेस होता है। तो इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। वो लैंग्वेज क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और स्ट्रक्चर्ड क्यों, ये टर्म क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जो इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में जो हमारा डेटा मॉडल होता है, डेटा मॉडल में कौन सा डेटा मॉडल हम लोग देखे थे? रिलेशनल डेटा मॉडल। वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मींस में हम लोग का डेटा क्या होता है? एक टेबल में होता है। उसको क्या करना होता है? इस क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू फेच करना होता है या फिर अपडेट डिलीट जो भी करना है। तो क्या करना, जो हम लोग का डेटा होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, इसलिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसको बोला जाता है। जब भी हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं डेटाबेस में, तो कैसे स्टोर करते हैं? टेबल में स्टोर करते हैं, राइट? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे एसक्यूएल में क्या होता है, जैसे सी, सी प्लस प्लस भी एक लैंग्वेज है, राइट? लेकिन वो क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीन्स प्रोसीजरल लैंग्वेज। उसमें क्या होता है, क्या करना है, व्हाट टू डू एंड कैसे करना है, हाउ टू डू, ये दोनों डिफाइन करना होता है हम लोग को। जैसे हम लोग क्या करते हैं सी सी प्लस प्लस में, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं व्हाट टू डू में, एंड हाउ टू डू में क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। बट एसक्यूएल क्या है, एक क्वेरी लैंग्वेज है, इसमें सिर्फ व्हाट टू डू को डिफाइन करना होता है। जैसे कोई कोई स्टूडेंट है जो पटना से बिलोंग करता है, उसके नेम को फेच करना है, राइट? उसके नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू पटना। इससे क्या होगा, जो जो स्टूडेंट है जो पटना से बिलोंग करता है, उसका क्या होगा, नेम डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ क्या करना होता है, क्वेरी को लिखना होता है, मीन्स व्हाट टू डू, और आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आईआरसीटीसी क्या है, आईआरसीटीसी के पास एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं, और क्वेरी में भी हम लोग को एसक्यूएल में क्वेरी नहीं लिखना होता, हम लोग के पास क्या होता है, एपीआई होता है, मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। जैसे अगर आपको ट्रेन का इंफॉर्मेशन सर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, ट्रेन नंबर को यहाँ पे डालेंगे, और क्या होगा, आपका जो भी ट्रेन का इंफॉर्मेशन होगा वो एक टेबल में आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, राइट? उसकी टाइमिंग, उसका रूट, सब कुछ एक टेबल में डिस्प्ले होता है। तो ये एपीआई क्या हो गया, एपीआई के थ्रू हम लोग क्वेरी किए। अब ये जो ट्रेन नंबर हम लोग डाले, वो ट्रेन नंबर एज ए क्वेरी पहुंचा किसके पास, आईआरसीटीसी के डेटाबेस के पास, राइट? और कौन से क्वेरी लैंग्वेज के साथ, एसक्यूएल के साथ। तो एसक्यूएल का मेनली क्या काम है, अब जो हम लोग का क्वेरी है उसको डेटाबेस तक पहुंचाना, राइट? तो ये रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग आगे और देखते हैं क्या क्या पढ़ना है एसक्यूएल में। हु इज द फादर ऑफ डीबीएमएस, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
एफ कोड एफ वाई बॉब माइनर नन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ कॉड. Which language is used by most of the DBMS for helping their users to access data? अब actually SQL में क्या होता है, different different type का statements होता है, means commands होता है, different different type का. उसमें mainly चार commands है, DDL, DML, DCL और TCL. ये चार statement है, इसके अंदर कुछ commands दिया होता है, उसी कमांड्स को मेनली हम लोग को यहाँ पढ़ना है. तो विच लैंग्वेज इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द डीबीएमएस फॉर हेल्पिंग देयर यूजर्स टू एक्सेस डेटा. तो कौन सा लैंग्वेज यूज होता है मोस्ट ऑफ द डीबीएमएस, मीन्स ये क्या एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर कौन सा लैंग्वेज यूज करता है फॉर हेल्पिंग देयर यूजर्स टू एक्सेस डेटा. तो लो लेवल लैंग्वेज क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल नन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेरी लैंग्वेज. राइट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, जैसे एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया. राइट, तो वो कौन सा लैंग्वेज यूज करता है, क्वेरी लैंग्वेज को यूज करता है फॉर हेल्पिंग देयर यूजर्स टू एक्सेस डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल वॉज डेवलप्ड बाय डैश इन द 1970. अब एसक्यूएल को कौन डेवलप किया, ओरेकल, आईबीएम, गूगल और, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईबीएम. एसक्यूएल को कौन डेवलप किया था, आईबीएम डेवलप किया था कब, 1970 में. नेक्स्ट, एसक्यूएल इज अ डैश लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस. ऑब्वियसली एसक्यूएल क्या होता है, एक लैंग्वेज है जो इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन यूजर और डेटा बेस. इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक इंटरफेस की तरह काम करता है कौन, एसक्यूएल. तो कौन सा लैंग्वेज होता है, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल, हाई लेवल लैंग्वेज, नन. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, क्योंकि प्रोसीजरल कौन सा होता है, सी, सी प्लस प्लस, जिसमें हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. और एसक्यूएल क्या हो गया, नॉन प्रोसीजरल है, मीन्स सिर्फ हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट टू डू, राइट, क्या करना क्या है. नेक्स्ट, सिक्स्थ, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स आर. अब एसक्यूएल में कौन कौन से कमांड्स होता है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल, और डी में है ऑल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल. ये मेनली ये चार जो कमांड्स है एसक्यूएल में, ये हम लोग को पढ़ना है. नेक्स्ट, DDL stands for, तो DDL का डेफिनेशन क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डिजाइन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लिस्ट और, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. DML stands for डेटा मैच लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लिस्ट और, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. नेक्स्ट, ये SQL का कमांड्स हो गया, चार कमांड्स है, DDL क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. DDL क्या हो गया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें वो कौन कौन से कमांड है पढ़ना है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, ये पांच कमांड को पढ़ना है. फिर होता है और ये DDL कमांड्स जो होता है वो कब यूज होता है, ये DDL कमांड्स किस चीज से डील करता है, तो ये स्कीमा से डील करता है. स्कीमा मींस स्ट्रक्चर, टेबल, जो हमारा टेबल, जो हमारा स्ट्रक्चर है टेबल जैसा, उससे डील करता है, मींस स्कीमा से डील करता है DDL कमांड्स. जैसे आपको टेबल क्रिएट करना है, टेबल में कुछ चेंजेस लाना है, टेबल को डिलीट करना है, राइट, टेबल को रीनेम करना है, तो हम लोग कौन सा कमांड्स यूज करते हैं, DDL कमांड्स, मीन्स ये सब कमांड्स को यूज करते हैं. फिर आता है DML कमांड्स, DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें कौन कौन सा है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट. ये क्या करता है, डेटा से डील करता है, जो हमारे टेबल में, अब यहाँ पे तुम लोग टेबल क्रिएट या डिलीट ये कर रहे हैं, मतलब मीन्स स्कीमा से डील कर रहे हैं, अब हमारे टेबल में जो डेटा है उससे डील करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज.
नए डेटा को ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को यूज करते हैं। फिर आता है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल मीन्स ये क्या करता है, डेटा पे जो हमारे टेबल में डेटा है उस पे किसका कंट्रोल होना चाहिए, कौन ऑथराइज्ड होना चाहिए कौन से डेटा को यूज करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें दो कमांड है, ग्रांट और रिवोक। फिर है टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या से डील करता है, ट्रांजेक्शन से डील करता है। जैसे आजकल मैक्सिमम काम हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, बिल पेमेंट ऑनलाइन कर लेते हैं, शॉपिंग ऑनलाइन कर लेते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो गया। तो इन सारे में जो ट्रांजेक्शन होता है उस ट्रांजेक्शन को कैसे डील करते हैं हम लोग, टीसीएल के थ्रू, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू। उसमें कौन कौन सा है, कमिट है, रोल बैक है, सेव पॉइंट है। तो इन सारे कमांड्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कमांड से पूछा जाता है। नेक्स्ट, विच एसक्यूएल कमांड यूज टू मैनिपुलेट डेटा बेस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल। और कौन सा कमांड एसक्यूएल का हम लोग यूज करते हैं डेटा बेस स्ट्रक्चर, यहाँ स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए, राइट, और इंक्लूडिंग टेबल, और टेबल को मैनिपुलेट करने के लिए। तो डीडीएल, डीएमएल, बोथ, नन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ। डीडीएल क्या, डीडीएल किस चीज से डील करता है, स्ट्रक्चर से, मीन्स जो पूरा टेबल है, टेबल क्रिएट करना, डिलीट करना, राइट, उससे। और डीएमएल जो हमारे टेबल में जो डेटा है उससे डील करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ। और सिर्फ डेटाबेस स्ट्रक्चर होता तो कौन सा होता, डीडीएल होता, लेकिन यहाँ क्या है, इंक्लूडिंग टेबल, मीन्स दोनों आएगा। टेंथ, क्रिएट कमांड इन एसक्यूएल इज अ, अब क्रिएट कमांड कौन सा है, जैसे यहाँ पे हम लोग डीडीएल में कौन सा सबसे पहला कौन सा कमांड है, क्रिएट कमांड, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्रिएट कमांड इन एसक्यूएल इज अ डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड, डीसीएल कमांड, और, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीडीएल कमांड। क्रिएट कमांड कौन सा है, डीडीएल कमांड होता है। मेनली हम लोग जो अपना टेबल फर्स्ट क्रिएट करते हैं वो इसी कमांड से यूज, इसी कमांड से क्रिएट करते हैं। जैसे इसका सेंटेक्स यहाँ पे हो गया, क्रिएट टेबल, ऐसे लिखते हैं हम लोग अपने जो, जैसे आपके पास अगर लेट सपोज ओरेकल का वो सॉफ्टवेयर है डेटाबेस का, तो आप उसमें उसको ओपन कीजिएगा, तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए क्या लिखिएगा, क्रिएट, क्रिएट ये कमांड हो गया डीडीएल कमांड, टेबल, फिर टेबल नेम, जैसे यहाँ पे लेट सपोज स्टूडेंट टेबल नेम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो टेबल नेम, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, कॉलम वन डेटा टाइप, कॉलम वन में जैसे यहाँ पे रोल नंबर देना है, ऐसे हो गया टेबल। ये क्या हो गया, एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट होगा, सबसे पहला क्या होगा, रोल नंबर होगा, कॉलम वन में क्या हो गया, रोल नंबर, और यहाँ पे डेटा टाइप देना, जैसे सी सी प्लस प्लस में डेटा टाइप होता है, वैसे ही एसक्यूएल में भी डेटा टाइप होता है, डबल, फ्लोट, कैर, वैर कैर, राइट, तो रोल नंबर देना है। तो अगर हम यहाँ पे इंट दे दिए, इंट, राइट, इंटीजर, तो एक कॉलम हमारा क्रिएट हो गया। फिर दूसरा कॉलम अगर क्रिएट करना है तो जैसे रोल नंबर है, फिर नेम, नेम में फिर डेटा दे देंगे कैर, राइट, तो हमारा दूसरा कॉलम क्रिएट हो गया। फिर तीसरे कॉलम को क्रिएट करना है, जैसे फोन नंबर, फोन नंबर, यहाँ पे फिर डेटा दे देंगे इंटीजर, नहीं यहाँ पे डबल रखिए क्योंकि फोन नंबर का साइज ज्यादा होता है, डबल, तो क्या हो गया, यहाँ पे तीसरा कॉलम क्रिएट हो गया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें कॉलम्स को ऐड करते जाते हैं, राइट, तो ये सिंटेक्स हो गया क्रिएट कमांड का। नेक्स्ट, इन एसक्यूएल डैश कमांड इज यूज्ड टू ऐड, used to add, delete or modify columns in an existing table. अभी जस्ट हम लोग क्या किए हैं, एक टेबल बनाया है, उसमें कॉलम को, कॉलम्स को क्रिएट किए हैं। तो अब एसक्यूएल में वो कौन सा कमांड है जिसको हम लोग
जिसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग जो टेबल है उसमें कॉलम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल्टर कमांड। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो भी जैसे टेबल है उस टेबल में अगर नए कॉलम को ऐड करना है तो हम लोग इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। एक कोई कॉलम है जिसको जैसे फोन नंबर, फोन नंबर को डिलीट करना है तो हम लोग ऑल्टर कमांड के थ्रू डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो ऑल्टर कमांड का क्या यूज हो गया, ऐड करता है, डिलीट करता है और मॉडिफाई करता है कॉलम्स को एग्जिस्टिंग टेबल में। इसका और भी यूज है, जैसे नेक्स्ट में द डैश कमांड इज यूज टू ऐड एंड ड्रॉप वेरियस कॉन्स्टेंट्स ऑन एन एग्जिस्टिंग टेबल। अब ये भी कौन करता है, ऑल्टर कमांड ही करता है। जैसे आपने कोई टेबल क्रिएट किया, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया, उसमें रोल नंबर, रोल नंबर को आपने क्या बनाया, प्राइमरी की, राइट, रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया। अब उस इस रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया उसको अब चेंज करना है, राइट। जैसे फोन नंबर को अब प्राइमरी की बनाना है, रोल नंबर को नहीं, तो वो कौन सा कमांड करेगा, ऑल्टर कमांड करेगा। या फिर रोल नंबर को डिलीट करना है तो कौन सा कमांड करेगा, ऑल्टर कमांड करेगा, राइट। जो कॉन्स्टेंट्स है, जो टेबल में हम लोग कॉन्स्टेंट्स को लगाते हैं प्राइमरी की फॉरेन की, तो इन सब को भी हम लोग ऐड और ड्रॉप कर सकते हैं किसके थ्रू, ऑल्टर कमांड के थ्रू। उसका सिंटैक्स यहाँ दिया हुआ है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम जैसे स्टूडेंट यहाँ हो गया, ऐड कॉलम नेम, जैसे यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे कौन सा था, रोल नंबर, नेम, फोन नंबर, अगर एड्रेस को ऐड करना है तो यहाँ पे कॉलम नेम क्या हो जाएगा, एड्रेस, राइट। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड एड्रेस, यहाँ फिर डेटा टाइप में क्या दे देंगे, वेयर कैर, वेयर कैर। तो इसमें क्या होगा, एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, एड्रेस, राइट। वैसे ही अगर लेट्स सपोज फिर इस एड्रेस को डिलीट करना है तो यहाँ पे हम लोग सेम स्टेटमेंट को लिखेंगे, बस यहाँ पे ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट, द डैश कमांड इज यूज टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग टेबल इन अ डेटाबेस। अब हमारे डेटाबेस में ढेर सारा टेबल है, उसमें से कोई टेबल को डिलीट करना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, टेबल को ही डिलीट करना, तो ऑब्वियसली डीडीएल कमांड्स में से ही कोई कमांड होगा, तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर से डील कर रहा है तो डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, नल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रॉप। ड्रॉप कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपने टेबल को डिलीट कर सकते हैं, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप टेबल, इसका सिंटैक्स क्या होगा, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम। जैसे स्टूडेंट टेबल अगर क्रिएट किया है तो एवं स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं तो हमारा पूरा स्टूडेंट का जो भी इंफॉर्मेशन है टेबल है वो सब डिलीट हो जाएगा। और ड्रॉप का, ड्रॉप कमांड का एक और यूज है, जैसे हम लोग एक टेबल क्रिएट किए उसमें ढेर सारा कॉलम है, राइट, स्टूडेंट टेबल क्रिएट किए, उसमें क्या है, रोल नंबर है, नेम है, फोन नंबर है, एड्रेस है, ईमेल है। अब जैसे ईमेल को डिलीट करना है तो हम लोग इसको सिर्फ एक कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं ड्रॉप के थ्रू। कैसे, तो उसका सिंटेक्स होगा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम में हो जाएगा स्टूडेंट, ड्रॉप कॉलम, और कॉलम नेम में कौन सा हो जाएगा, ईमेल एड्रेस। तो इसके थ्रू क्या होगा, ये वाला कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, बी केयरफुल बिफोर ड्रॉपिंग अ टेबल। क्यों, क्योंकि डिलीटिंग अ टेबल विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द टेबल। क्योंकि ड्रॉप के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है, द डैश कमांड इज यूज टू डिलीट द डेटा इनसाइड अ टेबल बट नॉट द टेबल इटसेल्फ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ट्रंकेट, राइट। ट्रंकेट में क्या करते हैं हम लोग, डिलीट द डेटा, जो टेबल के इनसाइड डेटा है उसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट, इन एसक्यूएल डैश कमांड इज यूज्ड टू चेंज द नेम ऑफ द टेबल।
SQL में कौन सा कमांड यूज करते हैं टू चेंज द नेम ऑफ द टेबल? एड, डिलीट, क्रिएट, रीनेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीनेम। रीनेम के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने टेबल के नेम को चेंज करते हैं। उसका ये सिंटैक्स हो गया रीनेम ओल्ड टेबल नेम फिर टू न्यू टेबल नेम। राइट, ये दो तरीके से हम लोग इससे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया आंसर स्लाइड। अब कल हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे।